तो दोस्तों यही मेरा छोटा सा घर है और हम लोग छोटा सा गांव में रहते हैं, बस्ती में। तो हाय एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज का वीडियो में आप सबको दिखाऊंगा कि अपना घर, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि अपना घर दिखाओ घर दिखाओ, तो आज का वीडियो में मैं अपना घर को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो पे आप लोग बने रहिए। ये बरसात का मौसम है, मतलब एक बाल्टी दो बाल्टी निकल जाता है, क्योंकि 200 फीट हम लोग इसको बोरिंग किए थे तो, लेकिन उस टाइम पानी निकला नहीं था, तो अभी आजकल निकल रहा है एक बाल्टी दो बाल्टी जैसा। नहाने के लिए तो उतना निकलता नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत धोने के लिए निकलता है। तो चलिए आगे, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप सबको ब्लॉग में दिखाए थे किसान वाला, तो यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको तो आप लोग ब्लॉग पे आप लोग देखे भी होंगे, अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं किसान वाला कि धान का खेती कैसा होता है। तो चलिए आगे की ओर आप लोग दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं अल्बेस्टर का लगा हुआ है, और यहाँ तो अभी तो दरवाजा तो बंद है। तो चलिए यही मेरा घर है, और एक तो है उधर साइड में, तो वो वाला घर भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और साथ में मेरा गांव भी दिखाऊंगा आप सबको, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि अपना बस्ती का भी दिखाइए कि आपका गांव किस तरह है, और हम लोग तो गांव देहात में रहते हैं तो इसी तरह हम लोग घूमते फिरते रहते हैं। तो चलो जो कुछ भी है, जितना भी है, आप सबको मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं घर की ओर आ चुका हूँ, चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कैमरा चुर में। तो दोस्तों यही हम लोग का घर है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो इसी तरह हम लोग मिट्टी का घर में ही हम लोग रहते हैं, और ये खपरा का लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग शहर टाउन में तो हम लोग रहते नहीं है कि ईंट का घर वगैरह, हम लोग यही मिट्टी का घर में रहते हैं, ईटा का घर में तो हम लोग रहते नहीं है। और अभी जो कॉलोनी इंदिरा आवास मिलता है तो वही गांव देहात में किसी किसी का होता है, और ज़्यादातर दोस्तों गांव देहात में इसी तरह मिट्टी का घर ही आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, और हम लोग भी गांव देहात से ही हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इसी तरह का घर हम लोग का बस्ती में बहुत सारा घर है, तो बस्ती का भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप सबको आगे की ओर थोड़ा दिखाता हूँ। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा पर्सनल KTM है, ये देसी स्टाइल का KTM है दोस्तों, क्योंकि हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो यही हम लोग के लिए बड़ी बात है KTM, क्योंकि जो शहर में रहता है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए KTM के बराबर हम लोग इसको मानते हैं। तो जो कुछ भी है अच्छा ही है, ये मेरा पर्सनल KTM है, तो इसके लिए आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों इधर बाड़ी है आप लोग देख सकते हैं, और इधर आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत सारा पेड़ पौधा सब भी लगा हुआ है, तो बस उधर दिखाते हैं आप लोगों को रियर कैमरा से। और दोस्तों ये एक घर बनाने का यहाँ पर सोचे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नौ। तो दोस्तों बारिश ज़्यादा हो गया था तो यहाँ पर इधर दीवार भी धस गया है, तो इसको बनाना पड़ेगा, इसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बरसात का मौसम में काफ़ी ज़्यादा पानी हुआ था, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जैसे कि झारखंड में यह साइक्लोन चला था तो उस टाइम, और इस बरसात के सीज़न में, खेती के सीज़न में भी बहुत बारिश हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर धस गया है, तो इसका भी रिपेयरिंग करना पड़ेगा, उसका भी वीडियो आप सबको मिल जाएगा। तो ये कब बनाते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग गांव देहात में तो ये छोटा छोटा घर ही रहता है, और बाकी बात कुछ भी नहीं है। तो चलिए थोड़ा मैं आप सबको बाड़ी का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से आउटसाइड घर के बगल तरफ का नज़ारा किस प्रकार है। घर के बगल तरफ आउटसाइड का नज़ारा इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर बाड़ी में क्या क्या हम लोग लगाए हैं देख सकते हैं, और यहाँ पर फूल का थोड़ा ई है बहुत सारा। तो दोस्तों यही मेरा छोटा सा घर है, और हम लोग छोटा सा गांव में रहते हैं बस्ती में, तो घर तो आप लोग देखे, तो अभी मैं आप सबको बस्ती दिखाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर मिट्टी का घर ही ज़्यादा दिख रहा है, और ये पुआर का ही इसे ढका हुआ है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इधर तो किसी किसी का खपरा भी नहीं होता है, तो मतलब पुआर से
जो धान का इसे किया है ऊपर में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खपरा का। और किसी किसी का अभी तो इंदिरा आवास चल रहा है तो इसी तरह का घर बनाता है। और पहले इस तरह जब इंदिरा आवास नहीं होता था तो इसी तरह का घर में हम लोग रहते थे। आप लोग उधर भी नज़ारा देख सकते हैं कि मिट्टी का घर ही है। और ये इंदिरा आवास पास करके ही कुछ कुछ का मतलब गांव में इस तरह का घर में हम लोग रहते हैं, और नहीं तो हम लोग मिट्टी का घर में ही रहते हैं।